हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि किस पाप के लिए व्यक्ति को कौन सी सजा मिलती है। गरुड़ पुराण में सही और गलत कर्मों की व्याख्या की गई है और कर्मों के आधार पर ही आत्मा को स्वर्ग और नरक भेजने की बात लिखी गई है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद आत्मा को अपने पापों की कीमत चुकानी पड़ती है। आइए हम लोग जानते हैं कि किस पाप की क्या सजा मिलती है। जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं, या फिर दूसरों का धन हड़पते हैं, उन्हें महापापी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद यमदूत रस्सी से बांधकर उनको नरक में ले जाते हैं और इतना मार वे बेहोश हो जाते हैं। दूसरा पाप है बुजुर्गों का अपमान करने वाले। वे लोग जो बुजुर्गों का अपमान करते हैं, वे कभी सुखी नहीं रहते हैं। उनको अपने किए की सजा इस जन्म में ही मिल जाती है, वहीं मरने के बाद भी उन्हें नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या फिर उन्हें सताते हैं, तो ऐसे पापियों को नरक में आग में झोंक दिया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल शरीर से अलग न हो जाए। तीसरा पाप है निर्दोषों की हत्या करना। ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों को मार डालते हैं, उनके लिए भी नरक भोगना तय है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निर्दोष जीवों को मारकर खा जाते हैं, उन्हें नरक में बेहद कठोर दंड दिया जाता है। ऐसे पापियों को बड़े बड़े कड़ाहों में गरम तेल डालकर तल दिया जाता है। चौथा महापाप है स्वार्थी बनकर साथ में रहने वाले पति पत्नी। कहते हैं ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक एक दूसरे की ज़रूरत हो, या फिर केवल तब तक रहते हैं जब तक एक दूसरे के पैसे का उपभोग कर सकें। ऐसे पति और पत्नी को मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को नरक में लोहे की गर्म सलाखों से पीटा जाता है। अगला महापाप है गुरु की पत्नी पर बुरी नज़र रखना। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देते हैं, इसलिए गुरु को पिता समान माना गया है और गुरु की पत्नी को माँ का दर्जा दिया गया है। गुरु की पत्नी के बारे में बुरा सोचने वाले महापापी कहलाते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद जयंती नामक नरक भोगना पड़ता है। वहीं जो लोग दूसरे के पति या फिर पत्नी पर गलत नज़र डालते हैं, मरने के बाद नरक में उन्हें गरम लोहे से पीटा जाता है। अगला महापाप है जानवरों को बलि देना। गरुड़ पुराण में बताई गई धर्म कर्म की बातों में यह भी कहा गया है कि जो लोग जानवरों की बलि चढ़ाने के बाद उनके मांस का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में लाकर जानवरों के बीच में ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये आवारा पशु उस व्यक्ति को नोच कर खा जाते हैं। अगला महापाप है दुष्कर्म करना। ऐसे लोग जो महिलाओं से वादा करके उनके साथ गलत काम करते हैं या फिर उनका फायदा उठाते हुए उनका धन लूटते हैं, ऐसे लोगों को शास्त्रों में जानवरों के समान माना गया है। नरक में भी उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है और उन्हें मल और मूत्र से भरे गंदे कुएं में डाल दिया जाता है। अगला महापाप है पद का गलत इस्तेमाल करना। ऐसे लोग जो अपने पद का गलत इस्तेमाल कर निर्दोष को सताते हैं, उन्हें वैतरणी नदी के कष्ट भोगने पड़ते हैं। मान्यता है कि इस नदी में से मानव शरीर, उनकी खोपड़ियाँ, कंकाल और खून मवाद जैसी गंदी चीज़ें रहती हैं। अगला महापाप है सीधे साधे लोगों को परेशान करना।
जो लोग सीधे साधे लोगों को जबरन परेशान करते हैं, उन्हें सताते हैं, उन्हें ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर और सांप होते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण में अलग अलग पापों की अलग अलग सजा बताई गई है।